नाज़रीन, आज की इस अफसोसनाक वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मारूफ कॉमेडियन उमर शरीफ तवील अलालत के बाद जान की बाजी हार गए, मगर उनकी मौत कैसे वाकई हुई, एयर एम्बुलेंस में क्या खराबी हुई कि इसको जर्मनी लैंड करवाना पड़ा, और जर्मनी में उमर शरीफ के साथ क्या वाकया रूनुमा हुआ। तफसीलात के मुताबिक उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका ले जाया जा रहा था कि रास्ते में जर्मनी में स्टॉप ओवर के दौरान उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसी दौरान एयर एम्बुलेंस में भी खराबी के बायस तखीर का सामना रहा। अब इतलात हैं कि वो जर्मनी में ही इंतकाल कर गए हैं और अमेरिका पहुंच ही नहीं सके। बैन अलावी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर एम्बुलेंस नाइट लैंडिंग और टेक ऑफ नहीं कर सकती थी, लिहाजा आगे के सफर के लिए या तो जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में इसी एम्बुलेंस के तैयारे की फनी खराबी दूर किया जाना था या फिर एयर एम्बुलेंस का तैयारा तब्दील किया जाना था। ताहम अब इस बारे मजीद तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ सकी। डॉक्टर तवक्को कर रहे थे कि उमर शरीफ जर्मनी में न्यूरमबर्ग एयरपोर्ट से अपनी अगली मंजिल आइसलैंड के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उमर शरीफ की तबीयत जो पहले बेहतर थी फिर अचानक नमूनिया के बायस बिगड़ गई और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिले। उमर शरीफ को कराची से अमरीका के लिए एयर एम्बुलेंस में रवाना किया गया था। ताहम थकावट और तवील सफर के बायस इन्हें जर्मनी में मजीद तिब्बी मुआयने और रेस्ट के लिए हस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उमर शरीफ को पाकिस्तान में हार्ट अटैक हुआ था जिसके बाद वो सेहतमंद हो गए, लेकिन एक माह के बाद उनकी तबीयत दोबारा खराब हुई और उन्हें अस्पताल में मुंतकिल किया गया। अस्पताल में दौरान इलाज ये बात सामने आई कि उमर शरीफ की बीमारी का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं, बल्कि इन्हें अमेरिका ले जाने की जरूरत है। उमर शरीफ ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इलाज के लिए अमेरिका भेजने के लिए इंतजाम की अपील भी की। वफाकी और सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ को इलाज के लिए अमरीका भेजने में भरपूर कोशिशें की। ताहम जब इन्हें एम्बुलेंस में अमरीका ले जाया जा रहा था तो जर्मनी में इन्हें नमूनिया हो गया, जिस पर इन्हें न्यूरमबर्ग के मकामी अस्पताल में मुंतकिल किया गया, जहां आज वो इंतकाल कर गए हैं। सिंध हुकूमत ने उमर शरीफ के इलाज के लिए अमेरिका के वीजे का इंतजाम किया और साथ में 4 करोड़ रुपए भी जारी किए ताकि उनका इलाज करवाया जा सके।